बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। प्लीज़ ओपन योर बुक आफाक सन सीरीज़, बुक पेज नंबर 19, यूनिट 3। टुडे आवर टॉपिक इज़ अबाउट कायद आज़म मोहम्मद अली जिना। स्टूडेंट्स, यू नो कायद आज़म, आवर ग्रेट फादर ऑफ नेशन, इज़ अ वेल नोन पर्सन, द फाउंडर ऑफ आवर हॉली लैंड पाकिस्तान। Okay, now as usual, take start from difficult words and their meanings. So please be attentive. Founder, founder mean bani. Discipline, discipline mean nazm o zabt. Punctual, punctual mani paband. Law practice, kanoon ki mashq. Organized, munazzam. Disappointed, mayus. Religions, mazahib. Customs, rasoom. सब कॉन्टिनेंट, बड़े सगीर, मिनॉरिटीज़, अकलियतें, सेफ एंड सिक्योर, महफूज व मामून, टॉम्ब, मकबरा। ओके, लेट्स स्टार्ट इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन। द कायद आज़म इज़ माई फेवरेट पर्सनैलिटी, कायद आज़म मेरी पसंदीदा शख्सियत हैं। ही इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के बानी हैं। His name was Muhammad Ali Jinnah. Unka naam Muhammad Ali Jinnah tha. He was born in Karachi on 25th December 1876. Woh 25 December 1876 ko Karachi mein paida hue. The Qaid-e-Azam was a man of discipline. Qaid-e-Azam nazm o zabt ke aadmi the. Matlab munazam aadmi the. He was honest and punctual in everyday life. वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में ईमानदार और वक्त के पाबंद थे। ही कम्प्लीटेड हिज अर्ली एजुकेशन इन कराची, उन्होंने इब्तदाई तालीम कराची से मुकम्मल की। देन ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर एजुकेशन, फिर वो आला तालीम के लिए इंग्लैंड चले गए। ही स्टडीड लॉ एंड गॉट अ डिग्री फ्रॉम लिंकन्स इन, उन्होंने कानून की तालीम हासिल की और लिंकन्स इन से डिग्री हासिल की। ही रिटर्न टू इंडिया एंड स्टार्टेड अ लॉ प्रैक्टिस, वो हिंदुस्तान वापस आए और कानून साजी शुरू की। द कायद आज़म वॉज द ओनली मुस्लिम लॉयर इन बॉम्बे इन दोज़ डेज, उन दिनों बॉम्बे में कायद आज़म वाहिद मुसलमान वकील थे। ही जॉइंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1906, उन्होंने 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। ही सपोर्टेड हिंदू मुस्लिम यूनिटी, वो हिंदू मुस्लिम इत्तहाद की हमायत करते थे। सून, जल्द ही बिकेम डिसअपॉइंटेड विद हिंदू लीडर्स, वो हिंदू लीडरों से मायूस हो गए। ही जॉइंड द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1913, उन्होंने 1913 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की। ही ऑर्गेनाइज्ड द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को मुनज़्ज़म किया। ही मेड द वर्ल्ड रियलाइज, उन्होंने दुनिया को एहसास दिलाया या बावर करवाया दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर टू डिफरेंट नेशंस, उन्होंने दुनिया को बावर करवाया कि हिंदू और मुसलमान दो मुख्तलिफ कौमें हैं। देयर रिलीजन्स, उनके मज़ाहिब एंड कस्टम्स और रस्म व रिवाज वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। ऑन मार्च 23rd 1940, द कायद आज़म चेयर्ड अ मीटिंग ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। 23 मार्च 1940 को कायद आज़म ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की एक मीटिंग में या जलसे की सदारत की, एक मीटिंग की सदारत की या जलसे की सदारत की। द मीटिंग डिमांडेड, मीटिंग में या जलसे में मुतालबा किया गया अ सेपरेट होम लैंड फॉर मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, बरे सगीर के मुसलमानों के लिए एक अलग वतन का मुतालबा किया गया। पाकिस्तान वॉज क्रिएटेड ऑन 14th ऑफ अगस्त 1947,
पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मार्ज़े वजूद में आया। ही वांटेड टू सी द माइनॉरिटीज सेफ एंड सिक्योर इन पाकिस्तान। वो पाकिस्तान में अकलियतों को महफूज और मामून देखना चाहते थे। द कायदे आज़म बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। कायदे आज़म पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। ही डाइड ऑन 11 सितंबर 1948। वो 11 सितंबर 1948 को वफात पा गए। हिज टॉम्ब इज इन कराची। उनका मकबरा कराची में है। ही लिव्स इन द हार्ट्स ऑफ द नेशन। वो कौम के दिलों में बसते हैं। ही इज अ रोल मॉडल फॉर ऑल पाकिस्तानीज। वो तमाम पाकिस्तानियों के लिए रोल मॉडल हैं, यानी के काबिले तकलीद हैं। थैंक यू।